है ब्रो, आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सर्वानंद के सारे मूवीज के बारे में। इनमें से कुछ आपने देखा होगा और बहुत सारे आपने नहीं देखा होगा, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, पर अभी तक आपने उस मूवीज को नहीं देखा होगा। और इन मूवीज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं सिर्फ मूवीज के नाम के साथ साथ उस मूवी का स्टोरी बता दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे मूवीज है, एक तो एक वीडियो में इतना मुश्किल से कवर कर रहा हूँ। और वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, पदी पदी लेचे मनसु। स्टोरी की बात करें तो सूर्य एक लड़का जो कि वैशाली के प्यार में गिर जाता है, पर कुछ बात के कारण वो लोग अलग हो जाते हैं और ठीक एक साल बाद वो लोग फिर मिलते हैं। आपको मूवी में ये देखना है उसके बाद क्या होता है। इस मूवी का जो हिंदी टाइटल रखा गया है, दिल धड़क धड़क। नंबर टू, रन राजा रन। बात करें स्टोरी की तो राजा जो कि एक सब्जी वाला का बेटा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा देके चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अनेस्ट, बहुत ही सीधा साधा होता है। उसके बाद मूवी कैसे टर्न लेता है आप लोगों को ये देखना है। नंबर थ्री, जानू। इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये मूवी 96 यानी कि विजय सेतुपति सर का 96 मूवी का रीमेक है। अगर देखना है तो 96 देख लो, नहीं तो वेट करो थोड़ा सा, हिंदी डब्ड आ जाएगा तो देख लेना। नंबर फोर, मली मली ईदी रानी रोजू। बात करें स्टोरी की तो एक एथलेटिक रनर अपने प्यार से बिछड़ जाता है और बहुत सालों बाद वो लोग फिर मिलते हैं। क्या तब भी वो लोग एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते हैं? ये देखना है मूवी में, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर फाइव, राणा रंगारम। बात करें स्टोरी की तो देवा एक बड़ा गैंगस्टर होता है जिसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जो लोग उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते क्योंकि हर वक्त उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना पुराना लाइफ वापस जीना चाहता है। ब्रो, बहुत ही बढ़िया मूवी है यार, हिंदी डब पर अवेलेबल नहीं है इस मूवी का। नंबर सिक्स, एक्सप्रेस राजा। बात करें स्टोरी की तो राजा एक लड़का जो कि अमूल्या से प्यार करता है, पर गलती से वो अमूल्या के पेट डॉग को म्यूनसिपैलिटी में दे देता है। उसकी वजह से मूवी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है आप मूवी में देख लेना। ब्रो, ये एक बहुत ही कमाल का कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर सेवन, महानुभावडू। बात करें स्टोरी की तो आनंद जिसे एक कमाल का बीमारी होता है, जिसकी वजह से उसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आता है वो तो फेस कर लेता है, पर जो प्यार हो जाता है उसके बाद उसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आता है तब वो क्या करता है, ये देखने लायक है। आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। ब्रो, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके बताओ ना, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो प्लीज। नंबर एट, सथमानम भवती। बात करें स्टोरी की तो एक ओल्ड कपल यानी कि बूढ़े माँ बाप अपने पोते के साथ गाँव में रहते हैं और उनके बच्चे जो कि फॉरेन में रहते हैं वो लोग उनसे 2-3 सालों में लगभग एक बार मिलने आते हैं। उसके लिए वो लोग क्या क्या प्लान बनाते हैं वो देखने लायक है। ये कमाल का फैमिली ड्रामा मूवी है और इस मूवी का हिंदी टाइटल सन ऑफ कृष्णमूर्ति रखा गया है। नंबर नाइन, अंधारी बंधु भैया। बात करें स्टोरी की तो नंदू एक लड़का जो कि शहर में काम करने के लिए आता है और रहने की प्रॉब्लम के कारण वो पद्मा का घर पर भाड़ा देकर रहता है। वो लोग जब प्यार में पड़ जाते हैं तब पद्मा के लिए रिश्ता आ जाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये कमाल का मूवी है और इस मूवी का जो हिंदी टाइटल है वो दानवीर 2 रखा गया है। नंबर 10, राधा। बात करें स्टोरी की तो कृष्णा एक पुलिस ऑफिसर जो कि हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहाँ पे एक बम इलेक्शन रैली की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद क्या क्या होता है ब्रो, ये कमाल का एक्शन रोमांस मूवी है, इस मूवी का आपको जरूर देखना चाहिए। इस मूवी का हिंदी टाइटल जुर्माना रखा गया है। नंबर 11, जैके एनुम नवानिन भजागी। ब्रो, इस मूवी का स्टोरी की बात करें तो ब्रो नहीं पता यार, क्योंकि इस मूवी को मैंने पर्सनली देखा ही नहीं है और इस मूवी का जो हिंदी डब वो भी मुझे नहीं मिला। नंबर 12, को एंती कोती। बात करें स्टोरी की तो बैंसी एक चोर होता है। एक बार माया एक लड़की बैंसी के साथ दो और लोगों को चोरी के लिए भेजती है, पर माया क्या चोरी करवाना चाहती है, माया का सच्चाई क्या है और बैंसी का पास्ट, सब कुछ आप इस मूवी में देख लेना। और बात करें हिंदी डब की तो नहीं मिला यार। नंबर 13, सत्या 2। ये एक बॉलीवुड क्राइम ड्रामा मूवी है। बात करें स्टोरी की तो सत्या कंस्ट्रक्शन मैग्नेट में लाहौती के लिए काम कर रहा होता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। क्या आप मूवी में देख लेना। ब्रो, मेहनत में आपके लिए करता हूँ ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करके बताओ ना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। नंबर 14, गमयम। बात करें स्टोरी की तो अभिराम एक लड़का बैट लगाता है कि जानकी को अपने प्यार में गिराएगा, पर मूवी कुछ ऐसा टर्न लेता है, उसे सचमुच का जानकी से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। और जब जानकी को बैट के बारे में पता लगता है तब क्या क्या होता है वो आप मूवी में देख लेना। ब्रो, एक बहुत ही कमाल का मूवी है यार। नंबर 15, अम्मा चपिंदी। बात करें स्टोरी की तो एक लड़का जो कि अपने फैमिली को और साथ ही साथ अपने एरिया के लोगों को बहुत ही प्यार करता है, पर मूवी उस वक्त टर्न लेता है
जब कुछ लोगों को वो लड़का बॉम्ब ब्लास्टर बचाता है। ब्रो ये बहुत ही पुराना मूवी है तो इस मूवी का हिंदी डब मुझे नहीं मिला। नंबर 16 राजू महाराजू। बात करें स्टोरी की तो एक इरेस्पॉन्सिबल लड़का कल्याण स्नेहा के प्यार में पड़ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर मूवी तब टर्न एंड ट्विस्ट लेता है जब कल्याण एक्सीडेंटली स्नेहा के पिता का खून कर देता है। इस मूवी का हिंदी टाइटल छतन रखा गया है और ये गजब का मूवी है। तो ब्रो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपको किस मूवी का अपडेट चाहिए, किस हीरो और हीरोइन के मूवी के बारे में जानना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस यानी कि आगे जो वीडियोस अपलोड करूँ आपको देखना है तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो ना। बाय।